कुल्चे लाने पड़ने हो आज आज तेरे को रेस्ट देता हूँ, आज इसको लेके चलता हूँ। सो आज ड्यूटी डे है इसलिए 220F लेके जा रहा हूँ मैं। गए माला अमेजिंग मैन। सो अभी हम लोग का विलेज का रोड बहुत ही ऐसा मतलब कंस्ट्रक्ट हो गया है, सो इसीलिए थोड़ा बहुत रेप तो बनता ही है। सो पिछला वाला ब्लॉग में मैंने अपडेट दिया था आप लोगों को कि मैंने 220F लिया है। सो कुछ ब्लॉग्स इस पर आएंगे, कुछ ब्लॉग्स उस पर। तो ऐसे ही ज़िंदगी हम लोगों को काटना है भाई, क्या करना है। एंड आज ड्यूटी डे है, मैं अभी जा रहा हूँ अपना ड्यूटी, सो इसीलिए आज मैंने ये 220F लिया है। One eternity later. So what's up guys, this is Ashish Shah and welcome back to another video. So मैं भी घर से थोड़ा सा नीचे में आया हुआ हूँ एंड इससे पहले का क्लिप जो था वो एक्चुअली मैं सुबह काम पे जा रहा था तो एक छोटा सा क्लिप मैंने वहाँ पर ऐड कर दिया था। सो यप अभी मैं घर से थोड़ा सा नीचे आया हुआ हूँ एंड अभी ड्यूटी आवर ख़त्म हो गया है। सो यप देख सकते हैं मेरे साथ आज क्या है। सो मैंने जैसे आप लोगों को अपडेट दिया ही था मेरा मतलब एक ये ड्यूटी के लिए मैंने पल्सर 220F लिया है। सो यप सोचा कि इस पर एक व्लॉग मैं बना दूँ एंड ये आज का व्लॉग पूरा एक 220F पर होने वाला है। सो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि जब मैं YouTube स्टार्ट कर रहा था तब मेरे पास पल्सर 220F ही था एंड सारा का सारा वीडियोस मैं पल्सर 220F पे ही बनाया करता था। सो यप बातें बहुत सारा है, आज मैं 220F पर कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो ये बाकी की बातें करते बाइक पर। ओके सो बाइक कुछ ऐसा है, कंडीशन अच्छा ही है। इंजन इसका मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इसका इंजन जो है वो एकदम स्मूथ है अभी तक, इसीलिए मुझे ये बाइक पसंद आया। सो अभी चलते हैं। डिड यू हियर दैट? सो गाइस जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को कि मैंने YouTube पल्सर 220F पे ही स्टार्ट किया था। जितना सारा वीडियोस है वो सारा का सारा मतलब 220F का ही आता था, लेकिन उस वक्त मेरा GoPro नहीं था। लेकिन जब मैंने GoPro परचेस किया उसके बाद भैया ने बोला 220F बेचना पड़ेगा, दूसरा बाइक लेना पड़ेगा। सो उसके बाद आया रॉयल एनफील्ड पर मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था एंड लॉकडाउन में मैं सिलीगुड़ी रहा। सो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया एंड उसके बाद आ गया अपना बीस्ट KTM ड्यूक 390। सो उसके बाद तो आप लोगों को मालूम ही है। ओ मांस को कुकुर बांधी रहा रहे। निशान कुदो नहीं जो ना एक चक्कर घुमे रहा हूँ के कर मम तो छिटा आए देखिए अल्छी लगे ना लो केटा ले ट्राई करने भो बाइक क्लच अलग तल छ।
सबभन्दा दामी भ्यू चाहिँ यतै छ अब हाम्रो हाम्रो त्यो अन्त हेलमेट पक्रेको ठिकै छ बाइक है कहाँ एबिएस छैन नि छैन छैन एबिएस सो दिस इज द बाइक अब यसमै आउँछ ब्लग्सहरू सो जितना भी ब्लग्स है अभी इस पर ही आएगा 390 भी आएगा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा इसमें आएगा थोड़ा उसमें आएगा एंड जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर ना क्लियर नहीं है लेकिन भाई दिखता बहुत ही अच्छा है इधर से सो इट्स टाइम टू एंड दिस ब्लॉग है ना एंड बस इतना ही था मुझे कहना एक्चुअली सो होप यू गाइज एन्जॉयड दिस विलेज ब्लॉग भनौँ है सो इफ लाइक दिस भिडियो देन गिभ इट अ थम्स अप एन्ड इफ यु हेभ सम सजेसन्स देन कमेन्ट डाउन इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो सो निशान फ्लो को भी चेक आउट कीजिए इनका भी ही सिंग्स रैप सो वेल एन्ड नीचे में डिस्क्रिप्सन में लिंक है सो डू चेक हिम ऑल्सो एन्ड विथ द्याट सेट थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो सो आइल सी इन देन नेक्स्ट भिडियो टिल देन बाई बाई टेक केयर राइट एट राइट सेफ एन्ड गोकुल कोल द फ्लो